ड्राइवर्स डिमांड पे आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया द्वारा एक ट्रेंडर बनाया गया जो कि न्यू एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट के डिज़ाइन को दिखलाता है, जहाँ पे फ्रंट में आपको दोस्तों नया ग्रिल देखने को मिलेगा जो कि महिंद्रा का न्यू सिग्नेचर ग्रिल है और नया लोगो देखने को मिलेगा। साथ में LED DRLs और आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। बाकी फॉग लैम्प का हाउसिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया, नीचे में आपको गोल्डन स्किड प्लेट देखने को मिलेगा और जो फ्रंट से लुक है काफ़ी शानदार देखने को लग रहा है। साइड लुक में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको ORVMs पे देखने को मिलेंगे इंडिकेटर और आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा। साइड लुक काफ़ी स्टाइलिश है और आपको पहले जैसा देखने को लग जाएगा। अगर बैक लुक की बात करें तो यहाँ पर मेन चेंजेस होने वाला है, यहाँ पर आपको न्यू LED टेल लाइट सी शेप में देखने को मिलेगी जो कि हाफ सी शेप है। नीचे में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, नया महिंद्रा का लोगो और आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, डिफॉगर देखने को मिलेगा और नया बम्पर देखने को मिलेगा। इंटीरियर में आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 10 इंच का XUV से लिया गया है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलेंगे। नया आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल पैनल है वो देखने को मिलेगा, इसमें आपको पहले से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। स्पेस आपको पहले जैसा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, साथ में रियर AC वेंट भी देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी एयर प्यूरीफायर ऑप्शनल देखने को मिल सकता है। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बूट स्पेस पहले से बढ़ाया गया और आपको 300 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे जो कि 5-स्टार रेटेड कार है और काफ़ी सेफ कार मानी जाती है। अगर बात करें दोस्तों कुछ और फीचर्स के तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलेंगे, साथ में आपको सनरूफ वॉइस कंट्रोल से ऑपरेट होगी जो कि काफ़ी अच्छी बात होने जा रही है। अगर बात करें दोस्तों तो अपहोस्टी में आपको ब्लैक थीम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें दोस्तों लॉन्च डेट की तो 2022 में गाड़ी लॉन्च हो सकती है और प्राइसिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।